मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। गुरु भाई आवाज आ रही है? जी गुरु भाई आपकी आवाज आ रही है। जी, अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में चलने वाले इस सतत कार्यक्रम में सभी गुरु भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम गुरुदेव से आशीर्वाद स्वरूप चाहते हैं कि ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, निर्बाध गति से चलता रहे और सभी में सात्विकता का विकास, सात्विकता का उत्थान होता रहे। और इसी निमित्त हम यहाँ पर गुरुदेव के इस कार्यक्रम को 7:10 पर गुरुदेव के स्पीच को स्टार्ट करते हैं और 20 मिनट स्पीच सुनने के बाद 15 मिनट सभी सामूहिक ध्यान करते हैं और उसके बाद गुरु चर्चा होती है, जिसमें कई जिज्ञासु गुरु भाई बहन पुराने नए सब एक संगम के रूप में यहाँ एकत्र होते हैं और अपनी जिज्ञासाओं को रखते हैं, अपने उद्गार यहाँ पर प्रकट करते हैं। और ऐसा लगता है जैसे गुरुदेव की यहाँ पर एक बहुत बढ़िया एक संगम जैसा लगता है। और इसी तरह सवेरे भी 5:10 तक ये कार्यक्रम इसी MS टीम माइक्रोसॉफ्ट टीम पर जो आयोजित होता है। तो मैं सभी से गुरु भाई बहनों से आग्रह करके और इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना स्वरूप रखते हुए स्टार्ट करना चाहूँगा कि कोई भी गुरु भाई बहन इस मंच पर आए, क्योंकि ये सभी का है, निःशुल्क है, किसी तरह का इसमें कोई मोनेटाइजेशन नहीं है और ये एक गुरुदेव के प्रति समर्पित हमारे विचार हैं। इसमें कोई छोटा बड़ा कोई नहीं है, सब गुरु भाई बहन बराबर है, गुरु के शिष्य हैं। इसलिए मैं कोई भी गुरु भाई बहन को आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और अपने विचार अपने अनुभूति यहाँ पर शेयर करें, अपना हैंड रेस करें, माइक ऑन करें, अनम्यूट करें और कैमरा ऑन करें। और अगर इस बीच में रामलाल जी गुरु भाई जुड़े हुए हैं तो आज जो कार्यक्रम हुआ था उसकी ब्रीफ यहाँ पर रख सकते हैं। राजसमंद में एक कार्यक्रम आयोजन हुआ है आज, कैसा रहा और किस तरह की अनुभूतियां वहां पर रही? जी गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक सेकंड रुको। जय गुरुदेव गुरु भाई। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जैसा कि गुरुदेव की कृपा से इनका कार्य गुरुदेव ही करवाते हैं, हम सब निमित्त मात्र हैं। आज एक यहाँ पर ITI कॉलेज है, उस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, लगभग वहाँ पर 100 के लगभग स्टूडेंट्स थे ITI के, जो राजसमंद जिले के सभी ब्लॉक से लगभग वो बिलोंग करते हैं, भीम से अन्य जो बड़े दूर दूर दराज के स्थान है, गाँव के बच्चे थे वो सारे शहर गाँव के। प्रोग्राम के अंदर मुख्य बात यह रही कि एक प्रोग्राम जो हुआ उसमें ये अनुभव आया कि गुरुदेव का जो कार्य किस प्रकार से गुरुदेव की शक्ति किसी के अंदर काम करती है। वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो भी ध्यान में बैठे और उन्होंने कहा कि मैं एक अद्भुत अनुभव कर रहा हूँ कि मैं बैठा बैठा स्टूल से बैठा बैठा ऐसा लगा कि मेरा पूरा शरीर पीछे चला गया, कहीं ऐसा ना हो कि मैं नीचे गिर जाऊँ। तो इस प्रकार से उस शक्ति का जागरण होता है। तो साथ में बच्चों के अनुभव भी बहुत सुंदर रहे हैं, किसी को हनुमान जी के आज्ञा चक्र पर दर्शन हो रहे हैं इष्ट देव के, किसी को माता दुर्गा के उनको आज्ञा चक्र पर दर्शन, किसी को लाइट प्रकाश दिखाई दे रहा है, किसी का बॉडी मोमेंट्स हो रहे हैं, बॉडी अपने आप लाइट होती जा रही है, आगे पीछे उनकी बॉडी राउंड द क्लॉक एंटीवाइज क्लॉक घूम रही है। जो मातृ शक्ति कुंडलिनी है गुरुदेव के देवे संजीवनी मंत्र से वो सीधी रीढ़ की हड्डी में खड़ी होकर के फिर वहां से रॉकेट की तरह ऊपर जाती है और बॉडी को मोमेंट्स कराती है। तो कुंडलिनी जागरण होना ये गुरुदेव के जो दर्शन में बहुत सहज है और गुरुदेव ने कहा भी है कि मेरे इस मंत्र को जपने से और ध्यान करने से ध्यान के दौरान वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के स्वयं मन प्राण को अधीन करके अपने अधीन करके
ऑटोमेटिक योग करवाती है। एक बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा, साथ में उन्होंने बहुत प्रशंसा की और साथ में एक प्रशंसनीय पत्र भी दिया कि ये हमारी ओर से, और कल के प्रोग्राम की भी न्यूज उन्होंने राजस्थान पत्रिका में बहुत सुंदर न्यूज लगवाई थी। तो इस प्रकार से गुरुदेव का ये जो मिशन है हम आदमी तक पहुंचे, क्योंकि सहसा मिशन है लेकिन पहली बार स्वीकार करना ही कठिन है। हमारे सामने भी ये समस्या रहती है कि पहली बार एक्सेप्ट कर लिया जाए, और हमने भी यही बोला कि यदि आपके अंदर ये अहम भाव है कि मैं ये हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ या मैं प्रिंसिपल हूँ, और ये भाव यदि रहेगा तो शायद वो करने हो, लेकिन यदि अंदर से गुरुदेव के प्रति समर्पित भाव से अभी 15 मिनट में आपने मांग लिया तो गुरुदेव वो दे देंगे। और ऐसा सुंदर दर्शन और सुंदर कार्य, सभी गुरु भाई बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सब भी गुरु कार्य में लगे। परसों हमारे दादा गुरुदेव की बरसी आ रही है, प्रचार करें अधिकाधिक लोग, जहाँ हमारे संस्थान जहाँ लोग ध्यान के प्रोग्राम करवा रहे हैं, छोटे मोटे प्रोग्राम कहीं भी अपने आसपास नहीं जा सकते वहीं ऑर्गेनाइज करें, गली मोहल्ले में घर में, जैसे अभी हमारे वाणी जी ने घर पर ही प्रोग्राम किया, तो ऐसे ही बुला करके मोहल्ले में प्रोग्राम करवा सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं। गुरुदेव जी बहुत बहुत जय गुरुदेव। किसी का माइक अनम्यूट हो रहा है, प्लीज अपना माइक म्यूट करें। अनिल जी गुरु भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिल जी गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव प्रभु, जय गुरुदेव। मैं अभी की अनुभूति सुनाता हूँ, अभी की। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है गुरु भाई। सभी को जय गुरुदेव। अभी की अनुभूति ये है कि मैं ध्यान कर रहा था और ध्यान के दौरान अचानक से एक झटका लगा मेरे शरीर के अंदर, और मुझे यूं लगा कि मेरे शरीर से कुछ निकल के चला गया, और पूरे रोम रोम में एक डर सा महसूस हुआ, पूरा भयंकर। और सामने भगवा कलर में कोई साधु संत नजर आए थे। क्या बात है, पूरी बॉडी कांपने लग गई थी, जैसे शरीर कोई छोड़ के चला जाता है ना, उस तरह महसूस हुआ अभी मेरे को। जी गुरु भाई बिल्कुल। और वो कप कपी अभी भी शरीर में चल रही है, वो कप कपी। रोमांच पैदा हो जाता है जब इस तरह की अनुभूतियां होती है, यही तो आत्म साक्षात्कार है जी। मतलब जैसे बॉडी के अंदर से कुछ निकल के एकदम से झटका मार के बाहर निकला कोई। तो इसको क्या कहते हैं, क्या क्या महसूस, इसको क्या क्या कह सकते हैं गुरु भाई? यही तो देखना है गुरुदेव, यही तो दिखा रहे हैं कि ये एक साधना ऐसी है जिसमें एक अलग तरह का मामला है, और आत्म साक्षात्कार विषय जो गुरुदेव कहते हैं वो यही तो है। तरह तरह से हमको ये अनुभूत होता है कि हमारी बॉडी और हमारी ये शरीर नहीं बल्कि ये आत्मा है। गुरुदेव कहते हैं कि ये जो घड़ा लिए बैठे हो तो ये तो गलना ही गलना है, लेकिन जो अजर अमर है आत्मा है, तो वो आत्मदर्शन यहाँ पर गुरुदेव अपने को ध्यान के दौरान एक सूक्ष्म रूप में कभी कभी करवा देते हैं। और जितना हमारा समर्पण होता है गुरु के प्रति तो उतना हमें निश्चित रूप से दर्शन होता है। तो आनंद लेते रहिए, दृष्टा भाव से देखते रहिए। जी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और भी गुरु भाई बहन अपनी यहाँ पर जिज्ञासा रखें, अगर कल का किसी का छूटा हुआ है कोई गुरु भाई बहन, जैसे कल सुनील कुमारी जी गुरु बहन जुड़ी हुई थी, और भी कोई नए साधक है तो मैं आमंत्रित करता हूँ, मंच प्लेटफॉर्म उनके लिए स्वागत कर रहा है। आप आइए और अपनी अनुभूति यहाँ पर रखिए, अपनी जिज्ञासा रखिए। कल्पना नाम से कोई आईडी जुड़ी हुई है नया, मुझे लगता है अगर नए हैं तो अपना हैंडरेस करें। जी जय गुरुदेव, अपना माइक अनम्यूट करें, कैमरा ऑन करें। कोई भी गुरु भाई बहन अपना हैंड रेज कर सकते हैं, कैमरा ऑन कर सकते हैं, माइक अनम्यूट करके और अपनी बात शुरू करें, और मंच से अपना सहयोग, अपनी
साधना की गति के बारे में क्या चल रहा है या कोई जिज्ञासा है तो वो यहाँ पर रखें। जी पीके सिंह जी गुरु भाई जुड़े हुए हैं। पीके सिंह जी गुरु भाई मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी गुरु भाई। चलिए गुरु भाई कोई नहीं आ रहे तो आप वंदना शुरू कर दीजिए, आनंद तो बरसेगा। हाँ बिल्कुल, कोई नहीं है तो वंदना, तो गुरु वंदना करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं से फिर किसी के मन में उद्गार आएंगे ना। गुरु भाई वैसे दो तीन नए भाई जुड़े हैं आज, वैसे बुलाइए उनको, कोई दिक्कत नहीं है, उनको बुलाइए जब तक। एक वी हल्दप्पा जी, एक कोई जितेंद्र गुजर जी है, कृष्णा गुजर जी गोचर जी स्वागत है। अगर कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो बुलाइए, कैमरा ऑन करें और उनको बुलाइए, उनको बुलाइए जी। कच्छप जी भाटी बहुत बहुत स्वागत है गुरु भाई आपका, अपना कैमरा भी ऑन करें और माइक अनम्यूट करें। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ गुरुदेव भाई, मेरा कोई ऐसे अनुभूति नहीं था, किसी का कुछ कोई नहीं आ रहे थे तो ऐसे ही जस्ट। गुरु भाई मैं 26 तारीख को किसी पर्सनल काम से जोधपुर गया था, तो ट्रेन से उतर पारी। गुरु भाई मेरे को आपको दिखाई नहीं दे रहे, या तो कैमरा ऑन नहीं है आपका? इधर से तो गुरु भाई दिखा रहे हैं, ऑन दिख रहा है, एक मिनट में ऑफ करके ऑन करता हूं। दिख रहे हैं, चलो शुरू करिए आप, कोई दिक्कत कोई बात नहीं, ठीक है चलिए आप तो शुरू कीजिए गुरु भाई। हाँ गुरु भाई मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, आप तो बताइए। हाँ तो मैं ऐसे 26 को जोधपुर गया था, तो पहले ऐसे तो थोड़ी जिज्ञासा रहती, मैं स्टेशन से उतरते ट्रेन से गुरुदेव के वो एवीस के जोधपुर आश्रम चला गया था गुरुदेव में दर्शन करने। तो गुरुदेव मतलब जैसे मैं उधर उतर के जो मैंने टैक्सी किया ना, तो उससे पूछा मेरे वहाँ के जाना, अच्छा वहाँ जाना, वो एकदम सहज भाव से चल दिया। तो उसने कुछ कितना लेंगे, मैं बोला कितना लोगे, बोला जो आपकी इच्छा है वो दे देना। हाँ तो और रास्ते में ऐसे चलते चलते वो भी ऐसे बात कर, बोला कि आप इधर पहली बार आए हो, कब जाए, ऐसे ऐसे बात। तो बोला कि आप कितनी देर आओगे, मैं इधर ही रुक जाऊंगा। मैं बोला ठीक है, मैं 15-20 मिनट में आ जाऊंगा। ठीक है बोला, तो मैं बोला भाड़ा दूं? बोला नहीं, आके बाद में देना। गुरु भाई तो दोपहर का टाइम था, अराउंड 2 o'clock 2 बजे लंच के टाइम का। तो वहाँ एक गुरु भाई थे रिसेप्शन से, बस उनको जय गुरुदेव करके 15 मिनट गुरुदेव का जो अपना साधना करते वो मेडिटेशन किया। तो गुरु भाई जैसे मेरे को जुड़े को 2 साल से भी थोड़े ऊपर हो रहे हैं, तो जैसे स्टार्टिंग में तो बहुत ही तेज मूवमेंट जैसे गर्दन के हाथों के होते थे, और उसके 1.5 साल बाद पिछले 4-5 महीने से जब भी मैं ध्यान पे करते हैं एवरी डे, मतलब सुबह शाम का हर ध्यान में मेरे को एक बार खिचड़ी मुद्रा मतलब लगती है पिछले 3-4 महीने से। तो पहले पहले शुरू शुरू लगती थी ना, तो इतनी मतलब फोर्स के साथ लगती थी, एकदम ऐसे झटका मार के और मुंह में पानी इकट्ठा हो जाना, रस टाइप जो भी है। लेकिन पिछले 1-2 महीने से मतलब एकदम स्मूथली आराम से धीरे से, आपको पता ही नहीं चलेगा भाई लगी है, मतलब इतना एकदम तेज नहीं, आस्ते से ऐसे लगती। कभी ऐसे टेंशन में कुछ इधर उधर मन भटक रहा है तो ऐसा कभी कभार ही होता है जिस दिन ना लगती हो, बाकी ऐसे तेज गर्दन का मूवमेंट होगा और टक से ऊपर ऐसे लगे। तो अभी जैसे उस दिन मैं उधर गया था ना, ध्यान किया था ना गुरुदेव के शरणों में, तो उस दिन जो मेरे ऐसे तेज मूवमेंट होके जो खेजरी मुंदा लगी ना, वो जो स्टार्टिंग में लगती थी ना उतने ही फोर्स से लगी दोबारा, नहीं तो ऐसे स्मूथली आराम से लगती थी पिछले कुछ 1-2 महीने से। अच्छा
वो लगी। और उसके बाद जैसे मैंने पहले एक दिन बताया था, मेरे ऐसे मतलब मेरे को ऐसे फील होता है ऐसे कुंडली नुमा ऐसे चक्री नुमा कुछ मूवमेंट रहता जब ध्यान की कि इवन दे जैसे दिन में भी कभी जैसे मंत्र जाप कर जैसे मंत्र स्टार्ट किया था समथिंग इज मूविंग हियर ऐसे फील होता है। तो अभी मैं उस दिन की बता रहा हूँ जैसे वो तो खेजरी मुझे लगी उसके बाद मतलब ये मेरा मतलब जो मेरे को फील हुआ वो बता रहा हूँ बाकी ऐसा कुछ नहीं मेरे को ध्यान क्या हुआ जो भी। तो जैसे मैं अभी बैठा हूँ ना तो मेरे को ऐसे फील हो रहा था जैसे चक्री घूम रही है ना वो थोड़ा थोड़ा अपवर्ड जा रही मेरा ऐसे बॉडी ऐसे धीरे धीरे मेरे खींच रहा है जैसे धीरे धीरे ऐसे मतलब ऊपर की तरह ऐसे मतलब थोड़ा उठ रहा और वो धीरे धीरे खींचते खींचते फिर वो कुंडली घूमते घूमते थोड़ा मतलब ऐसे ऊपर यहाँ तक ऐसे मेरे को महसूस फील हुआ मतलब वो जो चक्री का मूवमेंट यहाँ हो रहा था वो मतलब ऐसे धीरे धीरे ऐसे यहाँ तक ऐसे। तो मतलब बस इतना ही था जस्ट कोई गुरु भाई नहीं बहुत ही अच्छा लगा आनंद आया। और जब रिटर्न हो रहा था टैक्सी का तो वो उसने अपने एक दो वाक्य बताया गुरुदेव के बारे में। तो उसने बोला कि गुरु भाई मेरे को गुरु भाई की एज भाई साहब मैं तो नहीं जुड़ा हूँ लेकिन मेरे ताऊ जी मतलब उनके पिताजी के बड़े भाई वो काफी मतलब एज थे अभी बोला 2-4 साल हो गए वो सरोगास हो गया वो जोधपुर डीजल शेड में मैनेजर थे और वो गुरुदेव के बोले बोले शिष्य थे ध्यान वगैरह करते थे बहुत ही उनको अच्छे अच्छे ऐसे हुए जो। और उनका ऑफिस है ना वहाँ उनकी टेबल पे ग्लास के नीचे गुरुदेव का बड़ा सा तस्वीर लगाया था और वो सुबह से जाते वहां पे उनका मतलब जो भी अगरबत्ती वगैरह के बाद में अपना ऑफिस का काम स्टार्ट करते थे। और उनके बाद एक दूसरे वो तो जैसे स्वर्गवास हो गए वगैरह एक दूसरे पोस्टिंग आए वो भी वही मतलब ऑफिस में फर्स्ट टाइम वो अगरबत्ती करना वगैरह करते। और अभी बोल रहा इवन दो ये अभी बोला 2-3 महीने पहले एक नया न्यू मतलब यंग फर्स्ट पोस्टिंग एक तो होता ना ओल्ड लोग जो यंग थोड़ा बंदा आया वो भी बोला वही ये जो अगरबत्ती वगैरह गुरुदेव के करके और साधना पर करके फिर बोला मतलब एक छोटा सा मंदिर टाइप बन गया उनका ऑफिस। तो मतलब ऐसे उसने अपना अनुभव बताया। और भी जब मैंने भी कुछ बताया तो उसने भी कई मेरे को एग्जाम्पल दिए बोला वो दारू पीते उतने मतलब 4-5 लोगों का उन्होंने मतलब किसी की बीमारी थी बहुत ही बोला ये हमने सुना है फील किया है मेरे परिवार में भी कहते हैं लेकिन मैं बोला कि अभी तक इसमें नहीं मेरा बोला किस्मत नहीं है जो भी ये इतना उसने बताया। तो जस्ट यही था इतने और जी जी हाँ। और गुरु भाई अगर किसी का कुछ क्वेश्चन ऐसा ही जस्ट कुछ अनुभूति नहीं है मेरे मतलब पिछले महीने घर में मेरा जैसे माताजी वगैरह जॉइंट फैमिली उधर गांव में रहते हैं जैसलमेर में जी। तो माताजी एज है काफी 96 years old मतलब 100 में 4 साल कम हो रहे हैं तो लेकिन वो अभी तक चल फिर सकते हैं अपना मतलब जो भी छोटा मोटा टॉयलेट जाना वगैरह एक थोड़ा सा डंडी टाइप रखते हैं। तो एक गुरु भाई नवंबर 1st week की बात है तो वो थोड़ा स्लीप हो गए थे घर के मेन एंट्रेंस से अंदर एंटर कर रहे थे और वो मतलब स्लीप गिर के ऐसे होते हैं कोलू के बल गिरे तो उनका ऐसे फ्रैक्चर तो नहीं हुआ लेकिन चोट काफी लगी थी मतलब ऐसे ब्लड क्लोटिंग टाइप होता है ना वो हो गया था। फिर वो थोड़ा मतलब एकदम बेड पे ही हो गए तो एक साइड लेटे लेटे रहने से ये नवंबर 1st week की बात है तो उनके क्या होता है थोड़ा समड़ी में एक जगह से रीढ़ की हड्डी नीचे यहाँ पस फॉर्मेशन टाइप मतलब थोड़ा होता है एक चमड़ी थोड़ा उतना इसमें मेडिकल टर्म में आई थिंक उसको बोलते बेड सोर्स BED बेड सोर्स तो ये समस्या हो गई तब एक करीब वो प्रॉब्लम होने के 10-15 दिन बाद की बात है। तो मैं भी फिर वो मैं कोई ऐसा शिविर में उधर गया था उस समय जा रहा था तो फिर देखा काफी मतलब प्रॉब्लम थी क्या किया जाए। तो हम जो भाई छोटे वाले भाई उधर विशाखापट्टनम में ये R&D फैसिलिटी में उन्होंने बोला कि आप इनको एम्स जोधपुर ले जाओ माताजी को
और बड़े भाई साहब जो थोड़ा गांव में खेती बाड़ी करते हैं, तो वो बोले कि नहीं नहीं ये मैं 27 तारीख को उधर वहां पहुंचा, उस दिन की बात है, 27 नंबर में गांव पहुंचा। तो बड़े भाई साहब बोला कि कच्चा रास्ता है और थोड़ा और भी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, हम ले जाएंगे कहीं नहीं, यहीं सेवा करेंगे जो भी है कुछ। और ऐसा है मतलब जो थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं नेक्स्ट क्या किया जाए, और मेरे दिमाग में थोड़ा सा ऐसे गुरुदेव वाला चल रहा था, मेरे को हो सकता गुरुदेव कुछ चमत्कार करे वगैरह, कुछ इनको रिलीफ मिल जाए। हेलो, मेरी आवाज आ रही? जय गुरुदेव। पीके सिंह जी गुरु भाई सेशन में है? पीके सिंह जी गुरु भाई, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपकी आ रही है, मैं आ रही है। गुरु भाई आप मंच को संभालिए, मुझे कोई अर्जेंट काम आ गया है तो मैं। ओके ओके ठीक है, ठीक है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं। जय गुरुदेव जी, गुरु भाई जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ हाँ गुरु, जय जय गुरुदेव, पीके सिंह जी, जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। हाँ तो यही रात को थोड़ा डिस्कशन वगैरह चलता रहा, और सुबह दूसरे दिन 28 को मॉर्निंग वही अराउंड 6 o'clock, हमारे क्या है जैसे हम रहते तो जैसे किसी की फैमिली मेरी इधर साथ में है, लेकिन घर सभी के बड़े, मैंने मेरे घर में जाके जो जहाँ भी मंदिर वगैरह गुरुदेव की तस्वीर है, वहाँ मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले ऐसे गुरुदेव से एकदम करुण प्रार्थना की थी। गुरुदेव मतलब ये माता जी का दर्द सहा नहीं जाता, गुरुदेव कुछ उनके हेल्थ में सुधार की, ऐसे मैंने मतलब अपने करुण पुकार की थी गुरुदेव से, ये 28 मॉर्निंग की। और वो मेरे छोटे वाले भाई उधर विशाखापट्टनम रहते, वो मैंने कई बार उनकी फैमिली को कोरोना वगैरह पूरा हुआ था ये ध्यान के बारे में बताया, बट वो बिल्कुल एकदम सिरे से नकारते। तो उन्होंने शाम जैसे पिछली शाम को यही बोला था, आप इनको एम्स ले जाइए माता जी को। तो जब गुरु भाई मैंने गुरुदेव से ध्यान के दौरान प्रार्थना करके जब वो ध्यान मेरा खत्म हुआ ना, तो एक होता है ना जैसे वैसा तो नहीं, एक पिक्चरों में सीन होता है कि याद किया एकदम आ गई अवतार बदले, ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ा सा मेरे ऐसे फीलिंग हुआ मतलब जैसे कुछ एक होती घर में उस ओरा सी, और मेरे आंसू आए थे आंखों में, तो मेरे को ऐसे लगा कि मेरे को मतलब ऐसा फील हुआ कि मतलब एक ओरा आवाज, मेरे को ऐसे खुशी हो रही कि मतलब आई वाज फीलिंग दैट कि मेरे को मेरी गुरुदेव ने सुन ली पुकार, मतलब ऐसा मेरे को फील हुआ। कहते हैं ना कि आप दिल से अगर मुझे प्रार्थना मेरी प्रार्थना करते हो, गुरुदेव कहते हैं ना कि झुक करके मांग लो मिल जाएगा। हाँ तो वही है। मैं फिर मैंने तो गुरुदेव क्या मेरे ऐसे आवाज आया उसमें, मैंने छोटे भाई को बताता हूँ, फिर ध्यान में आया उनके जो ऐसे R&D फैसिलिटी है मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं है, तो मैंने टेक्स्ट किया उसी समय जस्ट, तो एक मिनट कहीं कट हो जाए मैं दोबारा जोड़ू, अगर वो मिलता मैं आपको अभी पढ़ के सुनूंगा जी। ठीक है, एक मिनट है। सॉरी मैं टाइम ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए। एक मिनट है, हाँ मिल रहा है, एक मिनट दो मिनट।
हाँ गुरु भाई, ये पहले तो मैं 27 को जब गांव जा रहा था, मेरी आवाज आ रही? जी जी आ रही है। हाँ, तो भाई ने उधर से मेरे को टेस्ट किया था, वो मैं पढ़ रहा हूँ। भ्राता जी, नाइस टू नो दैट यू आर ऑन द वे टू होम। यू आर गोइंग अलोन और विथ फैमिली। कंडीशन ऑफ द मदर इज वेरी सीरियस। सी हैज डेवलप्ड बेड सोर्स एंड इन एक्सट्रीम पेन। और आई विल एडवाइज यू टू प्लीज टेक हर टू एम्स जोधपुर। अच्छा, अभी मैं उस पे वो वाला मैं बताता हूँ जो मैंने बताया था ना अभी, कि मैंने मॉर्निंग में ध्यान किया और मेरे को ऐसे आभास हुआ कि गुरुदेव ने मेरी सुन ली। तो वैसे हम अपने भाषा में उधर बात करते हैं जय माता जी से वगैरह शुरू करते हैं, लेकिन मैंने वो छोटे भाई को बोला जय गुरुदेव। आज मैंने मेरे गुरु जी से माता जी के स्वास्थ्य सुधार के लिए करुण प्रेयर की है और मुझे मेरे गुरु जी पर पूर्ण विश्वास है। विथ इन 1 वीक माता जी का काफी सुधार हो जाएगा और या मोक्ष को प्राप्त होगी। मैंने ये लिखा वथिन, पता नहीं मेरे मैंने ऐसे कैसे लिख सकता हूँ कि मोक्ष हो जाएगा, फुल स्टॉप। आज की डेट नोट कर लो, बट सफर नहीं करेगी, मतलब मोक्ष प्राप्त करेगी या ठीक हो गए लेकिन सफर नहीं करेगी। यकीन ना हो तो ये 02 आप इस वीडियो पे जो मैंने गुरुदेव की वो वेबसाइट भेजी थी www.com, उस पे जाके आप चेक थोड़ा सर्च करके जो भी स्टडी कर लो। अच्छा गुरु भाई, ये मैंने अभी मैं बैक आता हूँ, बैक टू स्क्रीन, सॉरी। हाँ, तो ये मैं 28 को जो बात है मैंने प्रेयर हेरिट किया था और काफी गहरे ऐसे थोड़ा घाव टाइप थे। तो गुरु भाई उसके बाद 1 नवंबर की बात है, मैंने वो माताजी का जो घाव एक तो पहले गया उस दिन भाई को भेजा था, एक उसके बाद की फोटो लेके जो मतलब पूरा रिकवर होके ऊपर इतना था ना ये ब्लैक ब्लैक खूंट बोलते हैं ऐसे से मतलब चमड़ी ऐसे आ गई, चमड़े आ जाते हैं। हाँ, सूखा सा ऐसे स्किन ड्राई हो जाता है। तो मैं बोला, मैंने तो एक हफ्ता बोला था, ये देखो 4 दिन बाद ये रिजल्ट है। और बोला जो मेडिकेशन जो चल रहा था वो तो ऑलरेडी 15-20 दिन से चल रहा था। जी जी, तो मतलब गुरुदेव को जहाँ पुकारो वहाँ गुरुदेव की मतलब हर टाइम उनका जो औरा आभास साथ रहता है कोई, अगर हम दिल से मांगे तो। सच में गुरुदेव बोलते हैं ना कि मैं तो लुटाने निकला हूँ अपने गुरु की दौलत, मेरे गुरु का आदेश है कि तेरे दरवाजे से कोई खाली न जाए, बसरते आपको लेने आना चाहिए। बस हमें लेने आना चाहिए, कहने का मतलब समर्पण का भाव होना चाहिए गुरु भाई जी। बस यही थी वो, मतलब कोई गुरु भाई नहीं आ रहे थे तो जस्ट अपना मतलब दो जो विजिट है वो सुनाया। कोई दिक्कत नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई भाई साहब, बहुत सुंदर अनुभव सुनाया आपने, अच्छा लगा। जय गुरुदेव। उदय जी, नए साधक का नाम क्या बताएंगे तो मैं नाम से बुलाता हूँ उनको। नए लोग जुड़े हैं, कृष्णा गोचर जी का स्वागत है मंच पे। कृष्णा गोचर जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो कृपया मंच को पधारे। कृष्णा गोचर जी, कृष्णा गोचर जी का स्वागत है मंच पे। और दूसरे कोई और गुरु भाई थे? गुरु भाई मेघराज जी नागर भी जुड़े हुए हैं आज। मेघराज नागर जी कृष्णा गोचर जी, आप दोनों लोगों का स्वागत है। बारी बारी से मंच को साझा करें और मंच की शोभा बढ़ाएं आप लोग। आपसे मेरी यही प्रार्थना है गुरुदेव के
ये सबका मिला जुला कार्यक्रम है। आप लोग जब नए लोग आते हैं तो आपका पहले आपको प्राथमिकता दी जाती है, नए साधक को इस मंच पे पहले प्राथमिकता दी जाती है कि आप लोग पहली बार आए तो आप अपने अनुभवों को, अपने मतलब जो भी आपके जीवन में गुरुदेव के माध्यम से अनुभव हुआ है उसको आप शेयर कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासा शेयर कर सकते हैं, अनुभूतियां शेयर कर सकते हैं, आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया है तो उसको भी इस मंच पे आप शेयर कर सकते हैं। कोई नहीं आना चाहता? नीता टी पीके सिंह गुरु भाई जी, पीके जी जय गुरुदेव जी, अपने पीके दत्ता गुरु भाई जी जुड़े हैं, जो दत्ता गुरु भाई बहुत दिनों से बोले नहीं, इनको बुलाइए ना। जी जी गुरु भाई जय गुरुदेव, मेरी आवाज सुन रहे हो तो? जय गुरुदेव दत्ता जी गुरु भाई, पीके दत्ता जी गुरु भाई जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु भाई कैसे हैं गुरु भाई? सब गुरु जी की कृपा से चल रहा है, दिक्कत कोई तो नहीं। और जो लोग कर रहा है वो सब बहुत अच्छे है, ठीक ठाक है जी। और उसका जो प्रॉब्लम रहा है तो वो ठीक होते जा रहा है, तो इसलिए गुरु जी की कृपा से ही चल रहा है सब। जी 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 जी। और रामलाल भाई कैसे है? एकदम सब बढ़िया है, गुरुदेव की कृपा है एकदम से। मैंने कहा वेस्ट बंगाल में गुरु भाई हमारे अकेले जुड़ते हैं उधर से, तो उनका कैसा कार्य चल रहा है गुरुदेव का, और अनुभव कैसे आ रहे हैं, कैसे एक्सपीरियंस हो रहे हैं लोगों को? एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो रहा है। और यह से क्या होता है, यह से जो लोगों को दवाई का जरूरत है, समझ लीजिए उसका कोई डिजीज हुआ है, कोरोना हुआ है और डिजीज हो रहा है, तो वही लोग सब जुटते हैं। और स्टूडेंट लोग नहीं जुटते, मैंने ट्राई कर रहा हूँ तो बहुत बार बोला हूँ तो वो नहीं जुटते। और जो लोग ठीक है फिजिकली ठीक है तो उस लोग भी नहीं जुटते, तो गुरु जी की कृपा से कोशिश कर रहा हूँ। जी जी हाँ बोलिए बोलिए। मैं कह रहा था कि गुरुदेव कहते हैं कि जिसको दो वक्त की रोटी, म्यूट हो गया, यदि किसी को दो वक्त की रोटी मिल रही है और सब कुछ जीवन में अच्छा चल रहा है तो उसको भगवान की जरूरत नहीं है, भगवान की जरूरत उसको पड़ेगी जिसको कष्ट हो गया हो। आज हम दिन में बात कर रहे थे एक जगह, तो मैं बोला कि पीके सिंह गुरु भाई को एड्स हो गया था, यदि एड्स नहीं होता है तो पीके सिंह गुरु भाई गुरुदेव की शरण में आने वाला नहीं था, तो आराम की जिंदगी जीता, मजा करता है। लेकिन क्योंकि ईश्वर ने चाहा कि मेरी शरण में आ जाए, जिसको जरूरत पड़ती है ना खोजते हैं, ईश्वर खोजते हैं। जैसे किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है, क्या सब निकलता है, हे भगवान मेरी मदद करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो, तो उस भगवान को हमने खोजा है। तो हमारा जो गुरुदेव है ना, ये मैजिक गुरुदेव है। हाँ जी। मैजिक करता है जिस लोगों को दवाई से भी असर नहीं हो रहा है, तो उसको संजीवनी मंत्रों गुरुदेव की वॉइस से उसको वो दीक्षा देने के बाद वो जब मेंटल चैंटिंग करते हैं तो फर्स्ट टाइम से ही उसका दवाई कम हो रहा है, और आफ्टर 45 डेज वो छूटता है। मैंने देखा यहाँ पे वेस्ट बंगाल में है ना? जिस लोगों को मैंने वो गुरुजी का मंत्र सुनाया और पिक्चर दिया और वो लोग को करते हैं, तो उसका जो भी डिजीज है तो 45 डेज के अंदर वो खत्म हो जा रहा है, और उसका मेडिसिन भी पूरा बंद हो गया।
तो उस लोग सब मानते हैं गुरु जी को मानते हैं, ठीक है जी गुरु भाई जी, बहुत सुंदर गुरु भाई, जय गुरुदेव, गुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई और गुरु भाई अपना मंच को साझा करना चाहे तो स्वागत है। एक नीता नाम से भी आईडी जुड़ी हुई है गुरु भाई, नीता जी के नाम से कोई नई आईडी भाई रही है। मैं भी देखा था कि मतलब कोई नए साधक जुड़े हैं। जय गुरुदेव भाई साहब, अपना वैसे समय हो गया है जी, जय गुरुदेव, स्वागत है जी। अगर कोई नहीं जुड़ना चाहे तो सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। जय गुरुदेव जी, बिल्कुल जी गुरु भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु भाई वंदना सुना देते ना आज, तो क्योंकि कल गुरु का दरबार है अपने, हम भी जा रहे हैं वहाँ पे, बड़ी इच्छा है सुनने की। तो मुझे सुनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं गुरु भाई, ओम प्रकाश जी गुरु भाई बोल रहे हैं, पहले बुलाइए उनको। जी जी, ओम प्रकाश जी का स्वागत है। ओम प्रकाश जी गुरु भाई, हाँ जी स्वागत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ गुरु भाई, मेरे मन में एक थोड़ा सा शंका है। हाँ रखिए उसको। वो मंत्र को ऐसे घुमाना है या ऊपर से नीचे ले जाना है? ये मेरी शंका दूर कीजिए आप। हेलो, मंत्र को नीचे से ऊपर ले जाना है या ऊपर से नीचे ले जाना है? मंत्र को जब जपते हैं ना, गुरुदेव कहते हैं गोल घुमाना मंत्र को। अब मंत्र को यहाँ पे सेशन पे तो हम शेयर नहीं कर सकते ना। नहीं नहीं नहीं, मतलब ये मैं जो हाथ कर रहा हूँ ना, ऐसे नीचे से ऊपर ले जाना है। राउंड द क्लॉक का मतलब कुछ नहीं है, राउंड द क्लॉक है तो ये समझ रहे हैं कि उसको घुमाना है। अच्छा राउंड द क्लॉक मतलब नीचे से ऐसे ले जाना है या ऊपर से ले जाना है ऐसे? गुरु भाई, जो राउंड द क्लॉक का के बारे में आप समझना चाहते हैं ना? हाँ। राउंड द क्लॉक का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? नहीं जी, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। आपके घर में आपने आपके पीछे घड़ी लगा रखी है। हाँ। क्लॉक का मतलब घड़ी होता है। अच्छा, राउंड का मतलब गोल गोल घूमती है। अच्छा ऐसे। हाँ, गाने का मतलब और... राउंड द क्लॉक, जैसे घड़ी की सुई नहीं रुकती, वैसे इस मंत्र को रुकना नहीं है। गाने का मतलब है 24 घंटे इनको सीधा बता दो, 24 घंटे जगना है। 24 घंटे। हाँ, मैं क्या है कि इसको ऐसे घुमा रहा हूँ ऊपर से ऐसे ऐसे। मेरे मन में ये शंका काफी दिनों से दौड़ रही थी। नहीं नहीं, अराउंड द क्लॉक का, क्लॉक का मतलब घड़ी होता है, अराउंड ऐसे घंटा। हाँ ठीक है गुरु भाई, ये मैं पूछना चाह रहा था, ये मेरी शंका आपने दूर कर दी है। जी जी जी, घड़ी के समान मंत्र को चलते रहना चाहिए, उसको रुकने नहीं देना है। ठीक है गुरु भाई, ये पूछना था मेरे को, ये काफी दिनों से मेरे मन में शंका थी ये। जय गुरुदेव जी। किसी का माइक अनम्यूट है, आप लोग बात कर रहे हैं सेशन पे, सामने आइए जो भी कहना है। जय गुरुदेव, नहीं तो कोई नहीं आएगा तो फिर एक सेशन गुरुदेव चरणों में समर्पित करेंगे। वंदना सुनाइए पीके भाई साहब, वंदना सुनाइए अपनी, अधूरा रह जाता है सेशन आपके वंदना के बिना तो। वंदना की अनुमति मुझे मीटिंग वालों से मिलेगी तभी मैं सुना पाऊंगा। मीटिंग वाले गुरुदेव ने परमिशन दे रखी है। अरे सुनाओ गुरु भाई, सुनाओ, कोई बात नहीं, सुनाओ आप, सुनाइए गुरु भाई जी, सुना दीजिए। हाँ जी, प्रभु के चरणों में रख दीजिए, सुनाता हूँ। क्या होता है ना कि वो यूट्यूब का चक्कर हो जाता है प्रार्थना का, तो इसलिए नहीं सुना पाता हूँ, सुना रहा हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।
चरण दास को शरण राखिए एकल की भगवान अहो भाग्य निजे शिष्य बनाया अहो भाग्य निजे शिष्य बनाया बारंबार प्रणाम चरण दास को शरण राखिए एकल की भगवान चरण शरण रख दीक्षित कीना ज्योत जराया ज्ञान चरण शरण रख दीक्षित कीना ज्योत जराया ज्ञान धन्य धन्य प्रभु शिष्य बनाया धन्य धन्य प्रभु शिष्य बनाया दिया नाम का दान अहो भाग्य निजे शिष्य बनाया बारंबार प्रणाम अहो भाग्य निजे शिष्य बनाया बारंबार प्रणाम सतगुरु महिमा संत बखानते सतगुरु महिमा संत बखानते गावत वेद पुराण शक्तिपात विधि योग कराओ शक्तिपात विधि योग कराओ सिद्ध योग विज्ञान अहो भाग्य निजे शिष्य बनाया बारंबार प्रणाम अहो भाग्य निजे शिष्य बनाया बारंबार प्रणाम चरणामृत निजे पान कराओ भक्ति का रखमान चरणामृत निजे पान कराओ भक्ति का रखमान हे करुणा कर दीन दयाला हे करुणा कर दीन दयाला सतगुरु कृपा निधान अहो भाग्य निजे शिष्य बनाया बारंबार प्रणाम अहो भाग्य निजे शिष्य बनाया बारंबार प्रणाम मैं बालक अबोध हूँ भगवन बिना बोधि बिन ज्ञान मैं बालक अबोध हूँ भगवन बिना बोधि बिन ज्ञान सुन लो करुण पुकार नाथ जी सुन लो करुण पुकार नाथ जी भक्त को दीजे ज्ञान अहो भाग्य निजे शिष्य बनाया बारंबार प्रणाम अहो भाग्य निजे शिष्य बनाया बारंबार प्रणाम ऐसा योग रचाओ भगवन अमृत रस हो नित पान ऐसा योग रचाओ भगवन अमृत रस हो नित पान नाम जपाओ अजपा भगवन नाम जपाओ अजपा भगवन अनद अनहद हो नित गान अहो भाग्य निजे शिष्य बनाया बारंबार प्रणाम अहो भाग्य निजे शिष्य बनाया बारंबार प्रणाम भरम मिटाओ त्रिविध ताप प्रभु भरम मिटाओ त्रिविध ताप प्रभु कीजे सफल निधान भरम मिटाओ त्रिविध ताप प्रभु कीजे सकल निदान अलक दिखाओ दास को भगवन अलक दिखाओ दास को भगवन होवे आत्म ज्ञान अहो भाग्य निजे शिष्य बनाया बारंबार प्रणाम
ओ भाग्य जे शिष्य बनाया बारंबार प्रणाम चरण दास को शरण राखिए चरण दास को शरण राखिए हे कल्कि भगवान अहो भाग्य निज शिष्य बनाया अहो भाग्य निज शिष्य बनाया बारंबार प्रणाम अहो भाग्य निज शिष्य बनाया बारंबार प्रणाम अहो भाग्य निज शिष्य बनाया बारंबार प्रणाम जय श्री कल्कि जय गुरुदेव जय दादा बहुत सुंदर जय गुरुदेव आज का मतलब सेशन गुरुदेव के चरणों में अभी समर्पित करते हैं। मैं हिंगू जी गुरुभाई जी से अनुरोध करूंगा कि मंच का गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। कच्चे भाटी जी कुछ बोलना चाहते हैं, आपका स्वागत है गुरुभाई जी। हाँ गुरुदेव, जो मैं जस्ट अभी बताया था माता जी के हेल्थ के बारे में, जी जी हाँ, उसी में एक थोड़ा वो जो गुरुदेव के दर्शन के बारे में मैंने माता जी को बताया वो थोड़ा बताना भूल गया था जी, बताए जस्ट उसी के बारे में थोड़ा बताता हूँ जी, जी तो बताए। जैसे मैं वो मॉर्निंग में प्रेयर किया था गुरुदेव माता के स्वास्थ्य के लिए, उसके बाद मैं माता जी के पास गया जी। और माता जी के क्या गुरु भाई, ये जो एक पहले गुरु जी बनाए हुए थे वो जो अपने हमारे तरफ गिरी जी बोलते हैं जो भंगवाई पहनते हैं बाबा जी बाबा भान जोड़ते वो गुरु बनाए हुए थे, तो पिछले 3-4 साल हो गए वो एक्सपायर हो गए, तो उनका देहांत हो गया ठीक है। तो जैसे मैं वो गुरु जी माता जी के स्वास्थ्य के प्रेयर करके सीधा उसके बाद माता जी के पास गया और मैं ऐसे थोड़ी गांव की लेंगे माँ जी तुम्हारा गुरु तो मतलब एक्सपायर हो गया हमें कोई गुरु बनाओ, तो बोला हाँ ऐसे लड़का के हाँ, तो मैं ऐसे बोला मैं गुरु आपको बना गुरु जी लेके आया, वो थोड़ा ऐसे खुश हुए बोला हाँ कहाँ, तो फिर मैं वो अपने एक मंत्र दीक्षा वाला होता है ना वीडियो जी जी, वही फोन में ऐसे देख ऐसे माता जी लेटे थे थोड़ा ऊपर ऐसे मको मैं पहले ऐसे बताया मको ए मैं फोन में है उमर पूर्व प्रचार जपुआ पे साक्षात बैठे हुए उसी हिसाब है और वो मंत्र देंगे पचे वही मंत्र जो अपने बेटे उसी अपनी लोकल लैंग्वेज में माता जी को बताया, तो वो जो दीक्षा के टाइम वाला मंत्र वो मैंने मतलब रिले किया और वो सुना वगैरह, तो माता जी ऐसे हाथ जोड़े ऐसे गुरुदेव दो बार माता जी ने बोला। अच्छा, और अच्छा। फिर एक फिर थोड़ी देर बोला वो बोला मैं तो भूल मेरे को याद नहीं कैसे, तो मैं दोबारा और चला फिर चला बोल रहे ऐसे थोड़ी देर बोलती फिर वो बोले कुछ तो एज है ना वैसे भी वो कुछ अक्सर कई बार बात बोलते वगैरह, तो मेरे पता नहीं उधर कैसे ऐसे ख्याल आया गुरु भाई मेरे मामा जी का नाम कालू सिंह जी है, एक ही मामा जी है, तो गांव के लहजे में जैसे मेरे को काशब सिंह है मेरे को कासबिंग बोलेंगे, नाथू सिंह है नाथुइंग, तो मैं बोला अपने आपके भाई मामा जी का नाम तो याद रहेगा ना, बोला क्या नाम है, तो बोला कालोइंग, तो इसमें दो ही नाम तो है दूसरा क्या है, बोला कृष्ण जी, तो हाँ हमें तो भाई कालूर ना आए हूँ कालूर ना तो कहीं मन याद आ जाए तो मतलब कैसे जपना है हाँ, तो बस मको कृष्ण रो तो भगवान रो ना याद है बाकी मामा जी का नाम बोलो बस शुरू हो जाए, बोला अभी हमें कौन पहुंच रहा हूँ अब, बोला नहीं पहुंच रूंगी भूलूंगी नहीं तो मतलब ऐसे ऐसे नहीं तो दो चार बोला मैं भूल गई ऐसे करके, तो अभी वो मतलब ध्यान है ना कुछ नहीं, जैसे अपने होते हैं बुजुर्ग राम 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 वगैरह करते रहते हैं, तो पहले मैंने ऐसे माता जी को एक गुरु जी से जुड़ने से पहले ये बताना बताया हुआ था हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण है ना, वो तो वो करते रहते, अभी बस वो वाला ने कभी कभी ऐसे भाभी बहू वगैरह है उनको बताया तो आप वीडियो चला दिया करो ऐसे, तो उनसे मतलब वो पढ़ने से मेरे ख्याल से जो गुरु जी का वो बताना उससे उनका रिकवरी थोड़ा फास्ट हुआ। और दूसरा क्या है गुरु भाई, बड़े भाई साहब बड़े भाभी जब वगैरह थोड़ा गांव देहाती टाइप है थोड़ा उनके हिंदी कम आती, तो मैंने वो भाई साहब वगैरह उनको वैसे ऐसे बताया मेरे को
मैं बोला इसे बीमारियां तो छोड़ो, गांव में हमारे उधर अफीम वगैरह बहुत खाते, तो मैं बोला, मैं बड़े भाई से बोला कि अफीम से किसी का छूटा है दाढ़ी? बोला नहीं यार तू तो छूटा ही नहीं। तो अभी शायद प्रेम जी ग्रुप भाई होगा, उनका जो वीडियो था ना जी, वो दो चार लोग बैठे हुए थे, मैं वही चला दिया तो, और वो उनको क्यूरियोसिटी से देख रहे थे, उनको समझ भी आ रहा एकदम गांव हमारे वो आजू बाजू के ही है वो प्रेम सिंह भाटी जी भी। तो फिर बड़े भाई साहब वो खत्म हो बोलते हैं कि बड़े मोटो बंदौनी रो आज तक अमल छूटो ही, मोटो मतलब जैसे होता ना अपना शराब में एक लाइट ड्रिंकर, एक मीडियम, एक ओकेजनल एंड एक हैवी ड्रिंकर, सेम वे अफीम में गौरी गांव की लैंग्वेज ऐसे बोलते हैं, गांव की लैंग्वेज है अमल अमल अफीम वाले को बोला एक तो मनवार ले कर देंगे, एक मतलब छोटो बंदौनी एक मोटो बंदौनी। तो भाई साहब बोलते मोटे बंद, ये तो बड़ा मोटा बंदौनी था कि मोटे बंदौनी का आज तक छूटा ही नहीं किसी का, बोला उसका तो मरने के साथ ही छूटता है वो, मतलब भाई साहब का ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। तो बोला ये तो बहुत ही मतलब बहुत ही अद्भुत शक्ति है जी जी। तो उन्होंने भी मतलब बहुत ही आश्चर्य किया ये जो प्रेम जी भाई का वीडियो सुन के अमल छूटने वाला। गुरुदेव के मिशन में टोटल समर्पण है, जैसा आपका भाव होगा ऐसा आपको प्रणाम मिलेगा। जय गुरुदेव, अभी टाइम हो गया, आप सेशन को गुरुदेव के शरण समाप्त कीजिए। जय गुरुदेव, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। टिंगू जी गुरुभाई जी से अनुरोध है कि मंच का समापन गुरुदेव चरणों में करें। जय गुरुदेव। गुरुभाई पंकज जी कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं जी। ठीक है, पंकज जी का स्वागत है गुरुभाई जी। भाई साहब जय गुरुदेव। ये हमारे जामसर बरसी का जो कार्यक्रम है वो लाइव करेंगे हम, तो 30 तारीख को सुबह 10 बजे का समय रखा गया है, तो उस दिन हम इसी YouTube के माध्यम से हम उसको लाइव करेंगे, तो अधिक से अधिक दर्शन का लाभ लें, सभी से ये निवेदन है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, धन्यवाद गुरुभाई जी। जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। पीके सिंह जी जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सारे गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप लोग बुलाने पे हैं, आप लोग मंच को साझा कीजिए, ये आपका मंच है, ये आपका कार्यक्रम है, हमारा किसी व्यक्ति विशेष का कुछ भी नहीं है इसमें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम लेने पे भी लोग नहीं आते, मंच को साझा भी नहीं करते, क्योंकि भाई साहब सबको एक दिन ड्यूटी लगाई है। हम तो सेवा में लगे हुए, हम कहाँ जाने वाले। नहीं, सबकी ड्यूटी लगाओ, जो जो रोज ज्वाइन करते हैं ना, सबको एक एक दिन बताइए कि सबको आना है, एक दिन मंच संचालन करना है। वही करेंगे गुरु भाई जी, अब सारे लोगों से मंच संचालित करवाएंगे, तब उनको समझ में आएगा कि हम बुलाते हैं 35-40-50 आदमी तक जुड़ते हैं गुरु बहन भाई बहन, इतने अच्छे।